ऐसी बोलने का रिवाज पड़ गया, बेबी नीचे नहीं है, प्लेसेंटा 1 सेंटीमीटर, ये मैंने अभी ऐड कर दिया। ये 19 वीक पे लो लाइन लिख दिया था, तब भी 10 mm फ्रॉम इंटरनल लॉस है, अभी देख के लिखा है मैंने 10 mm। अगर दूर है तो, अगर टचिंग द ऑस है तब भी कोई बात नहीं है, कवरिंग द ऑस होता है फिर बात होती है। 3 लाइन है, पेज खोलो, प्लेन पेज। एक है टचिंग द ऑस, उसमें आपस में परहेज रखना, उसका मतलब है कि ये है ना, तो यहाँ तक आ रहा है हमारा प्लेसेंटा है, जैसे जड़ होती है किसी पौधे की। अब ये 1 सेंटीमीटर दूर है, ये धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर ही 1 इंच बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना इससे। वॉक तो वैसे भी करनी है, और बेल्ट बांध के कर लो, यहाँ पे बेल्ट बांध लो तो ये और ऊपर रहेगा, तो नॉर्मल है टचिंग द ऑस तक। कवरिंग द ऑस, इसमें तो परहेज रखना है बस, कवरिंग द ऑस, परहेज तो मैं सभी का चाहती हूँ, इन्फेक्शन जाती नहीं, तो कवरिंग द ऑस होगा ये, इसमें रेस्ट कर। कवरिंग द ऑस होता ही नहीं एट 20 वीक, पहले नहीं, पहले तो ये बहुत छोटा सा यूट्रस होता है, इसमें क्या कवरिंग क्या नहीं सब दिखाई नहीं देता, अल्ट्रासाउंड वाला बता ही नहीं सकता इसमें, तो जो शुरू का होता है पहले 20 वीक पे ही बताना होता है कि प्लेसेंटा, या फिर स्पॉटिंग हो गई तो उसने ध्यान रखना ही है। कई बार हर महीने स्पॉटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो चलो डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन जो ऑडियंस को पता होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख के ही सबकी सांस रुक जाती है आजकल, जब अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं रोते रोते सुबह आते हैं, आधी रात से भी अभी बात करा दो डॉक्टर से। अच्छा ये था, नींबू पानी के साथ खा लो, बहाना होता है एक, है ना, ठीक। उसके बाद दोपहर को आयरन, आयरन कलर्ड है ना, रेड कलर की होती है, इसको कलर के साथ खाना है, सारे कलर, येलो ग्रीन, घिया।